लोकल सुरक्षा पार्टी के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी बुधवार को सिंचाई विभाग के डाक बंगले में पत्रकारों से वार्ता पर सैनी ने कहा कि मनरेगा को किसान व मजदूर से जोड़ा जाएगा। पार्टी सुप्रीमो ने बताया कि एक परिवार एक रोजगार की नीति को अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो राज्यसभा को समाप्त करना पड़ेगा। सैनी ने बताया कि विश्व के 3/4 देशों में एक कल प्रणाली है। वे देश हमारे देश से ज्यादा तरक्की कर चुके। कोई भी सरकार बिना आबादी कंट्रोल किए बेरोजगारी व गरीबी को समाप्त नहीं कर सकते। हमारे दो की नीति को सख्ती से लागू करना होगा। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन 5,000 प्रतिमा दी जाएगी। सैनी बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों पार्टी पर जमकर बरसे और सरकारों को किसान विरोधी सरकार बताया। और वीडियो बंधा हुआ पंचायत मिनिस्टरों से और चीफ मिनिस्टरों से। नीचे से पैसा कलेक्ट होकर ऊपर जा रहा है। सोच लिया कि चेयरमैन बनकर के इस भ्रष्टाचार को रोकूंगा। ब्लॉक समिति के सारे सदस्य मैंने जताए। जैसे ही पंचायत मिनिस्टर को पता लगा कि ये अगर चेयरमैन बन गया तो 13 हफ्ता वसूली बंद हो जाएगी, क्योंकि पंचायत मिनिस्टर हरियाणा के अंदर वो हमारे हलके से थे। 5 साल तक उसने उस ब्लॉक समिति को सटे रखा, चेयरमैन का चुनाव नहीं होने दिया। फिर सोचा जिला परिषद में शायद एक जिले के अंदर डीसी का पद सबसे बड़ा होता है, जिसके अधीन बीडीओ भी आते हैं, एसडीएम तहसीलदार भी आते हैं। तो जिला परिषद में हम जब गए तो ब्लॉक समिति रिजर्व हो गई। सोचा भी ये भी काम नहीं पड़ेगा, चलिए एमएलए का चुनाव लड़ते हैं। एमएलए का चुनाव लड़ने के पश्चात मैंने देखा था कि अगर आप कुछ करना चाहें जनता के लिए तो मुख्यमंत्री को अगर यह लगने लगेगा कि आपका एमएलए अपने से बड़ी बात कर रहा है और मैं उन नीतियों को लागू करने में कहीं स्टैंड नहीं करता।